दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इस अभियान के द्वारा बीजेपी के नेता को ये तक नहीं मालूम हो रहा है कि तिरंगा को पकड़ना कैसे है। तिरंगा में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेवात का एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो रोड पे दौड़ रहे हैं तिरंगा झंडा लेकर, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है, ये वीडियो एक मदरसा का है, मदरसा के जो बच्चे हैं, जामियत मदरसा के बच्चे जो दौड़े हैं रोड के ऊपर, और उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और उसके बाद खबर जो है वो शाहरुख खान से, गौरी खान और इरफान पठान, ये सारे के सारे जो अपडेट है वो आज आ रहे हैं, जो कि मैं आपको एक के बाद एक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर आप देख लीजिए कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो झंडा को किस तरीके से पकड़े हुए। इनको ये तक नहीं मालूम कि झंडा पकड़ना कैसा चाहिए, झंडा का कौन सा कलर ऊपर होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे होना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रीन ऊपर है और जो केसरिया कलर है वो नीचे है। और इसको लेते हुए फोटो खिंचाते हुए ये वीडियो जो है, ये तस्वीर, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और बीजेपी के नेता जो है वो ट्रॉल होने लगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि गौरी खान के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है और लिखा यह जाता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर 15 अगस्त। ये गौरी खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है। उसी के बाद आपको ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जबकि इरफान पठान ने जो अपना प्रोफाइल पिक जब चेंज किया तो उसमें ये तस्वीर जो है अपलोड किया, और इन्होंने भी तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसमें हिस्सा लेते हुए बता रहे न्यू प्रोफाइल पिक्स। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक तस्वीर जो कि जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूंछ। पूंछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मदरसा में जो तिरंगा झंडा लहराया गया है वो वाकई देखने लायक था। आपको वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये 15 अगस्त की तैयारी, जो कि 15 अगस्त तो कल है, लेकिन 13 से 15 जो कि बताया गया कि तिरंगा अभियान में सब हिस्सा लेंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि सब उसी अभियान को लेकर चला रहे, हर साल तिरंगा जो झंडा है वो लहराया जाता है मदरसा में, मस्जिदों में, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक तस्वीर और वायरल हो रही है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में भी आप देखिएगा कि कैसे रोड के ऊपर जो है, या मान लीजिए कि पूरे आसमान को यूं समझ लीजिए कि ढांक दिया गया, और सारे के सारे आप देख सकते हैं जो कि मदरसा के एक जामियत मदरसा है मेवात में, वहां से ये सारे जो है जो मदरसा के बच्चे हैं उन्होंने झंडा लेकर इसमें जो है हिस्सा लिया। उसके बाद एक तस्वीर और वायरल हो रहा है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि कैसे एक बीजेपी का जो एक झंडा है, उस सॉरी मान लीजिए कि जो तिरंगा झंडा है उसमें बीजेपी का एक लोगो दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो आप देखिएगा कि हरा कलर जो है वो कुछ हिस्सों में है, सादा जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो केसरिया कलर है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि तिरंगा को लेकर जो कुछ मतलब कानून है उसमें आप जो हिस्सा है उसको कम बेस नहीं कर सकते, उसमें तिरंगा फटा हुआ कटा हुआ नहीं होना चाहिए, तिरंगा का जो डंडा है वो मजबूत होना चाहिए, या फिर तिरंगे के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है तस्वीर वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी का लोगो दिखाई दिया। हो सकता है कि काटने छाटने वाले या फिर बनाने वाले जिन्होंने झंडा बनाया उससे गलती भी हो सकता है, कि ये मुमकिन है कि गलती हो सकता है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी बवाल जो है वो देखने को मिला। उसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भी तस्वीर खूब वायरल हुआ आज ट्विटर पे, फेसबुक पे। उसके बाद मैंने भी झंडा लगाया दोस्तों, और मैंने भी इसमें अभियान जो है, ये अभियान जो चल रहा है उसमें मैंने भी हिस्सा लिया, आप भी हिस्सा लीजिए। और ये जो तिरंगा घर घर लगाया जा रहा है, लहराया जा रहा है, आप अपने भी घर पे लहराए, क्योंकि तिरंगा हमारे देश का आन बान शान है और हमें इसे शान से लहराना चाहिए अपने घरों में।